नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं हूं सूरज कुमार और आज मैं अपनी फील्ड में यहां पर खड़ा हूं। और फील्ड के अंदर हमने आपको एक पहले वीडियो दिखाया था, जिसकी वीडियो में हमने नेपियर की हम उसके जो स्टेम्स होते हैं उसके स्टेम्स को हमने लगाया था। तो स्टेम्स के आज लगभग 11 दिन हो गए हैं स्टेम्स को लगे हुए। तो हम आज इस फील्ड में आए हुए हैं और फील्ड में देखना चाहते हैं कि उसमें कितने बड़े कल्ले निकल आए हैं, उसमें टिलरिंग हो गया है कि नहीं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर जो है टिलरिंग लगभग सा हो गया है और हम यहाँ आज देखेंगे इस वीडियो में कि कितनी टिलरिंग्स हो गई है और कितने बड़े कल्ले निकल आए हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कल्ले काफ़ी बड़े निकल आए हैं, आप देख रहे होंगे, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे। अभी मैं इसको इस वीडियो को बड़ा करूँगा, वहाँ पे इसको जूम करके तब दिखाऊँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारे बगल में इधर हमने बरसीम के लिए चारे के लिए बरसीम की बुआई कर रखी है अपने यहाँ पर फार्म हाउस पर, और उधर आप देख रहे होंगे वो एक चरी हुई बोई गई है, काफ़ी छोटी छोटी है, अभी बाद में ये बड़ी हो जाएगी, अभी टाइम लगेगा इसको बड़ा होने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर बरसीम लगी हुई है चारे के लिए, और उधर हमने मक्का की बुआई कर दी है, उधर मक्का लगा हुआ है, जहाँ पे देख रहे हैं आप उस साइड में मक्का लगा हुआ है। तो चारे की भरपूर तैयारी है हमारे पास। और इधर हमने नेपियर की भी सोइंग की थी, तो नेपियर भी अब इधर तैयार हो रहा है। नेपियर को तैयार होने में लगभग 2-2.5 महीने लग जाएंगे अभी, वैसे तो बहुत फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। और आके देखते हैं कि यह नेपियर अभी कितना बड़ा कल्ला ले गया है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप खेती या उससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो तब तक आप लाइक ठोक दीजिए, हम आपको दिखाते हैं नेपियर ग्रास। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं फील्ड में जो हमने स्टेम्स लगाया था, आपने देखा था कि ये स्टेम्स में ये कल्ले निकल आए हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं। और ये इधर देखिए नेपियर में इधर कल्ले भी निकल आए हैं, इस साइड में इधर भी कल्ले निकल आए हैं और कई कल्ले निकल रहे हैं। एक स्टेम्स में देखिए इसमें कल्ले नहीं निकले हैं, पता नहीं किस कारण से नहीं निकला, इसमें फंगस लग गए हैं, कोई डिजीज लगा हुआ है यहाँ पर, आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें कोई डिजीज लग गया है, फंगल डिजीज है। और ये देखिए इसमें भी कल्ले निकल आए हैं, और इधर हमने लाइन से स्विंग किया था तो इधर भी निकल आए हैं, ये कल्ले निकले हुए हैं, इस लाइन में भी कल्ले निकले हुए हैं, ऐसे कई लाइंस भी हैं, हम आपको एक एक करके लगभग सब दिखाने वाले हैं और आप पहचान भी कर सकते हैं नेपियर का प्लांट किस तरीके से होता है। ये आप देख रहे हैं कल्ले निकले हुए हैं, इसमें कई कल्ले निकले, इसमें ये नहीं निकला है, यानी कि लगभग आओ हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 2 में नहीं निकला है। और ये इधर भी कल्ले निकले हुए हैं, इधर कल्ले नहीं निकले हैं, इसमें इस सोच में कल्ले नहीं निकले, इस लाइन में भी इसमें नहीं निकला है और इधर भी नहीं निकला है। इधर भी नहीं निकला और इसमें तो ये निकला हुआ है, काफ़ी बड़ा हो गया है सूट, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें जो कल्ले निकल आए हैं काफ़ी बड़े कल्ले हो गए, इसके पत्ते भी काफ़ी मुलायम हैं, थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पे स्टेम्स मुलायम है, कल्ले निकल आ रहे हैं। इसका ट्रांसप्लांटिंग अगर प्रोपोगेशन अगर करना होगा, दोबारा इसको फैलाना चाहेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये घना हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें कल्ले निकल आएंगे, फिर इसके स्टेम्स को हम काट काट के अलग पूरे फील्ड में हम फैला देंगे यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं लाइन से यहाँ पर, ये भी बहुत ही अच्छा चारा माना जाता है दोस्तों, इसमें फाइबर की काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, प्रोटीन भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है और ये कई साल तक चल जाता है एक बार लगा दे। ये भी दिख रहा है आप, ये इसमें निकल आए, इसमें भी निकल आए, कल्ले निकल आए, ये भी कल्ले निकल आए इसमें। तो ओवरऑल लगभग हमारे फील्ड में निकल आए कल्ले, और जो कल्ले निकलने का परसेंटेज है वो परसेंटेज लगभग 70% है,
थोड़ा सा जो स्टेम्स हम मंगाए थे वो लेट में हमारे पास आया था, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से सब में नहीं हो पाया, कुछ में डिजीज लग गए हैं और कुछ में क्या है कि वो डेड हो गए हैं, इसलिए इसमें कल्ले नहीं निकल पाए हैं। जो डेड हो गए उसमें कल्ले नहीं निकले हैं, और जो लाइव हैं उसमें कल्ले निकला, जैसे कि ये देख रहे हैं डेड हो गया है, ये पूरी तरह से डेड हो गया है। इसको उखाड़ के अगर हम देखते हैं इसमें, तो कुछ नीचे से हरा बचा हुआ है, बाकी इसमें डेड हो गया है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ऐसे लगभग जितने भी हमने लगाए हैं यहाँ पे 250-300 स्टेम्स हमने लगाए थे, उसमें सब में लगभग 70% कल्ले निकल आए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, इसमें क्या सावधानियाँ बरतना है, यहाँ पर आपको फील्ड में प्रॉपर तरीके से नमी को बरकरार रखना है। अगर नमी नहीं रहेगी फील्ड में तो क्या होगा कि पौधे सूख जाएंगे, जो स्टेम है वो सूख जाएगा, उस कल्ला सूखने लगेगा। तो कल्ला ना सूखने पाए इसके लिए प्रॉपर तरीके से नमी बनाए रखना है, और यहाँ पर पानी की भी भरने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, फील्ड में पानी नहीं भरना चाहिए। अगर फील्ड में पानी भर जाता है तो क्या होगा कि आपका जो स्टेम है वो सड़ जाएगा, ज़्यादा नमी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और ज़्यादा सूखा कर देंगे तो आपका जो स्मार्ट नेपियर है, नेपियर ग्रास जो है, स्मार्ट नेपियर घास, ये सड़ जाएगा फिर। तो स्मार्ट नेपियर घास की जो फील्ड को हम क्या करते हैं कि स्मार्ट नेपियर घास की फील्ड में प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज यानी कि जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखते हैं। स्मार्ट नेपियर घास के लिए हम स्टेम्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी प्रोपोगेशन के लिए स्मार्ट नेपियर घास के लिए स्टेम का इस्तेमाल आप सभी करिए। सीड भी स्मार्ट नेपियर घास का भी आता है, लेकिन अगर स्मार्ट नेपियर घास की हम सीड की बात करें तो नेपियर घास के सीड्स उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, वो उसमें भी जर्मिनेशन परसेंटेज लगभग 50% के आसपास होता है, कभी कभी एकदम से ख़त्म भी हो जाता है। तो कोई अच्छी कंपनी से आप डील करिए जो जिसमें जिसका जर्मिनेशन परसेंटेज काफ़ी अच्छा हो। तो दोस्तों और जो स्मार्ट नेपियर आपकी नेपियर घास है हमने आपको दिखाया, इसके आगे हम वीडियो भी बनाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता रहेगा वीडियो आता रहेगा। इसके पहले अगर आपने, जब हम लगा रहे थे इसका प्रोपोगेशन टाइम प्लांटिंग कर रहे थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए चैनल पे जाके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।